हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो होने वाला है ये मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है। मैंने भी सोचा कि मैं भी इस ट्रेंड को फॉलो करती हूँ, तो मैंने ये बार्बी लुक क्रिएट किया है। आई नो कि बार्बी ऐसी नहीं होती चमी टाइप्स, बट कोई नहीं, मैं तो हूँ। और कैसा लग रहा है आपको मेरा मेकअप लुक, नीचे जरूर कमेंट डाउन करिएगा। और इसका शॉर्ट्स आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, बट कम्प्लीट वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो ऐसे वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का बेल बटन दिया है उसे प्रेस करिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं नई वीडियोस को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत देख सके। डू फॉलो मी ऑन द अदर सोशल हैंडल्स, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और एज यूजुअल जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया था, तो मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। ये है NYB का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके पोर्स को टाइटन अप करेगा। देन मैं इनसाइड का कंसीलर यूज़ करूँगी, HD कंसीलर है, और अपने डार्क एरियाज पे, और बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आपको नेचुरल फिनिश देगा, प्लस वाटर प्रूफ है और हाई कवरेज भी देगा। एंड देन मैं अपने ब्रशेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और देख सकते कितना अच्छा इसने कवरेज दिया है। देन अब मैं करूँगी अपना आई का मेकअप। ये है मार्श का आई शेडो पैलेट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे बहुत सारे शेड्स है, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट आई शेडो पैलेट है, अभी रिसेंटली मैंने लिया है। तो पहले मैं इसी आई शेडो पैलेट से ऑरेंज कलर लूँगी, अपने आईज़ पे प्लेस करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं सेम आई शेडो पैलेट से हल्का सा पिंक लूँगी और ब्रश चेंज कर लूँगी और लाइट पिंक लूँगी और अपने इनर आईज़ पे प्लेस करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद उसमें हल्का सा डार्क पिंक था, उसमें तो मैं डार्क पिंक का टच दिया है, बट ब्रश आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लाइट और डार्क, वरना फिर आपको पता नहीं चलेगा। देन सेम पैलेट से मैंने ग्लिटरी पिंक था वो प्लेस कर दिया है, बार्बी इज़ ऑल अबाउट पिंकिश, सो इसलिए मैंने पूरा पिंक अपना आई मेकअप किया है। देन फिर उसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी, ब्रश से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ब्रश बहुत सॉफ्ट है मार्श का। देन सो आई विल फिल माई आईब्रोज, सो आईब्रो पेंसिल से, काफ़ी अच्छी आईब्रो पेंसिल है, पहले मैं सेट कर लूँगी एक तरफ से, देन मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है आईब्रोज मेरी, और अच्छे से सेट करने के बाद मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। देन मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है। तो पहले मैं अपने उसे हैंड पे निकाल लूँगी, देन इसके अंदर मैं प्राइमर को मिक्स करूँगी, NYB का ही प्राइमर, इसको मिक्स कर लूँगी। इससे आपको बहुत ग्लोई सा आपको इफेक्ट मिलेगा, बहुत स्मूथ सा टेक्सचर मिलेगा। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद देन मैं अपने हैंड से ही अपने फेस पे इसको लगाऊँगी इस तरीके से। फिर देन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। आप कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई मत यूज़ करिए अपने फेस पे, हमेशा वेट करके ही यूज़ करिए, वरना वो पैचेस बनने के चांसेस होते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसको। देन अपने मेकअप को सेट करूँगी, तो ये मार्श का लूज पाउडर है, तो इससे अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। तो काफ़ी अच्छा लूज पाउडर, इसमें आपको दो शेड्स मिल जाएंगे, और इसके आपको स्पॉन्ज भी मिलता है, और जो एक्सेस है वो ब्रश से इसको रिमूव कर लूँगी। देन फिर उसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोर, तो ये है NYB का कॉन्टोर पैलेट, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैट फिनिश है, लाइट वेटेड है कॉन्टोर, और हाईली पिगमेंटेड भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, और ये है मार्श का मस्कारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही बजटरी मस्कारा है, और मस्कारा लगाने से आपको आईलैशेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा अपने। देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्टेक वर्की का वाइट काजल अपनी लोअर आईज़ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आजकल वाइट काजल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और आप इससे आईलाइनर भी लगा सकते हैं। देन मैं लगाऊंगी NYB का ब्लशर, और आज का मेकअप पूरा पिंक होने वाला है क्योंकि बार्बी है, और बार्बी इज़ ऑल अबाउट पिंकिश, और काफ़ी अच्छा ब्लशर है ये, बहुत ही पिगमेंटेड है। फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, आपको जहाँ जहाँ चाहिए तो अपने चीक्स पे, मैं नोज़ पे, हल्का सा अपने लिप्स एरिया पे। देन फिर मैं इनसाइड का ये हाइलाइटर है, अपने चीक्स को, क्यूपिड बो को, नोज़ को हाइलाइट करूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है ये भी। देन उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाने से पहले मुझे लिप लाइनर लगाना था, मैं भूल गई थी, तो मैं लिप लाइनर लगाऊँगी पहले अपने पूरे लिप्स के आउटर कॉर्नर पर,
अच्छे से, उसके बाद फिर मैं पिंक लिपस्टिक लगाऊंगी। ये है लोटस की लिपस्टिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है और मेरी बहुत पुरानी लिपस्टिक है ये, देख सकते कितना अच्छा शेड आया है। एंड हल्का सा बीच में मैं हल्का सा पर्पल दूंगी। सो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने अपने हेयर्स को हल्का सा क्रिम कर लिया था आगे से, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था और मैं सोचा मैं भी थोड़ा सा अपनी अदाएँ दे देती हूँ। सो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट डाउन करेगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।